समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय जदयू विधायक राजकुमार राय जी। राजकुमार राय जी की चर्चा इसलिए कि लगातार दो बार से विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं, नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र इस बार बिहार का सबसे ज्यादा रोचक विधानसभा क्षेत्र होने जा रहा है। वहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव इस बार ताज ठोकने जा रहे हैं। आइए, आज हमारे साथ राजकुमार राय जी हैं, इनसे जानते हैं कि कितनी कठिन लड़ाई होगी इस बार के विधानसभा चुनाव में। राजकुमार राय जी, कितनी कठिन लड़ाई होगी? मेरे लिए हसनपुर में कोई कठिन लड़ाई नहीं है। सीधा कोई भी लोग जाए, बाहर से जाए या वहाँ के कोई भी स्थानीय रहे, हसनपुर की जनता पूरा सीधा सीधा हम लोग के समर्थन में है, हमारी पार्टी के समर्थन में है। और जो भी काम किए हैं हम लोग, काम और विकास पर हम लोग को वोट देगा। हम लोग गरीब पुरवा से जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई लड़ाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोई लड़ाई नहीं है। राजकुमार राय, जब चुनाव जीतते हैं वोटों का जो अंतर होता है एकाएक बढ़ जाता है। इस बार तेज प्रताप यादव से जब आपकी लड़ाई होगी तो तीर चलाने के लिए ऐश्वर्या की जरूरत पड़ेगी या अकेले राजकुमार राय इस रन में विजयी होंगे? पूरे हसनपुर विधानसभा में अकेले हम लोग जो है, और हमारे जनता दल एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता है, सफिशियंट है वहां लड़ने के लिए। किसी बाहर के लोगों को कोई जरूरत नहीं है। एक मुखिया से विधायक तक का सफर और एक लोकप्रिय विधायक होना, क्योंकि इसलिए बार बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे उस समय था कि आप हार जाएंगे, फिर जब आरजेडी जदयू का गठबंधन था तब भी था कि आप हार जाएंगे, और अंतर बढ़ते गया। 2020 में क्या होगा? इस बार और ज्यादा मत से जीतेंगे। इस बार जो है हम लोग देखे हैं, हिंदू मुस्लिम जितने भी वर्ग के लोग हैं, सारे लोगों का जो चाह है, हम क्षेत्र घूमते हैं, कंटिन्यू घूमते हैं, इलाके में रहते हैं, तो पता चलता है। इसलिए अब कोई लोग बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस बार जितना वोट से जीते हैं उससे कई गुना ज्यादा वोट से हम लोग जीते हैं। अभी हाल में तेज प्रताप यादव का रोड शो हुआ था आपके इलाके में, आपने देखा होगा काफी गाड़ियों का काफिला था, काफी भीड़ थी। आपको नहीं लगता है कि ये जो भीड़ है कहीं से जुटाई हुई भीड़ तो नहीं होगी? सीधा सीधी हसनपुर का क्या भीड़ था वो हम समझ रहे हैं। सीधा बाहर के लोग, कुछ लोग खगड़िया का था, कुछ लोग बेगूसराय जिले का था, कुछ हमारे समस्तीपुर से, और कुछ लोग पटने से गए, कुछ लोग बगल के दरभंगा से आया था। सभी नौजवान, जो वैसे लोग, वैसे नौजवान था जिसको हम लोग पहचानते नहीं थे, कुछ ही लोग हमारे आरजेडी के लोग जो थे उनके साथ हम लोग देखे, और नहीं तो 80% बाहर के लोग। लड़ाई होगी यादव मतदाता है। हसनपुर चीनी की मिठास के कारण जाना जाता है, तीन नदियों का पानी है, काफी कुछ काम हुआ है, खुद जनसंघर्ष करके विधायक बने हैं। क्या लगता है कि यादवों का झुकाव राजकुमार राय या लालू प्रसाद यादव? सीधा यादवों नहीं, सभी वर्ग के लोगों की बात हम करते हैं। 80% लोग सीधा हम लोग के साथ है, वहां किसी का झुकाव दूसरी तरफ होने कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है। बाहर के लोग जाए वहां या हमारे विपक्ष में जो भी साथी लड़े, हमने लगातार दो दो बार लड़के देखे हैं, और जो भी एक्सपीरियंस है हम लोग इलाके में उससे हमको अनुभव है कि वहां के एक एक मतदाता, सभी वर्ग के लोग 80% हम लोग के एनडीए गठबंधन और माननीय नीतीश कुमार पर भरोसा करके राजकुमार राय ही हुआ को ही वोट दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, अगल बगल के जितने दिग्गज नेता हैं यादवों के वो जाके आपके क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। आपके बारे में चर्चा है कि आपने भी अब इस बार जो चक्रव्यूह की रचना की है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में रहते हैं, क्या तैयारी है? हम लगातार मुझे लगता है जब से एमएलए बने हैं तो पटना में जब से कुछ काम रहता है उतना ही दिन हम पटना रहते हैं, लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं। और यादवों की बात करते हैं तो हसनपुर ही विधानसभा नहीं, हसनपुर के बगल के जो भी विधानसभा है, चाहे वह बेगूसराय का हो या दरभंगा का हो, कुशेश्वर स्थान या रोसड़ा का हो या अलौली का हो, वहाँ जितने मतदाता यादव मतदाता की बात करते हैं तो यादव मतदाता भी वहाँ का लोग मेरा ही आदमी है, मेरा ही समर्थक है, इसलिए लोग गुमराह करेंगे उससे कोई बात नहीं है। लेकिन तो हम आपको अभी भी चैनल आपके चैनल से हम बता देना चाहता हूँ बिहार के लोगों के, कि अब यादव लोग जो है लालू यादव पर भरोसा नहीं कर रहा है, एक शब्द में बता रहे हैं। विधायक जी, एक और सवाल उठता है, कितने वोटों से चुनाव जीतिएगा? ये तो आपका कॉन्फिडेंस है, आप क्षेत्र में रहते हैं तो ज्यादा आपको पता होगा कि वोटर किसको वोट देंगे। हमारे जितने विपक्षी होंगे उससे दोगुने मत से हम जीतेंगे, विपक्ष को जो मत आएगा उससे दोगुना मत से हम जीतेंगे। नीतीश कुमार 2020 में नारा है
2020 नीतीश, जनता पूछ रही है नीतीश जरूरी नीतीश मजबूरी। नीतीश जरूरी है, वो विपक्ष के लिए मजबूरी हो अलग बात है, लेकिन हम लोग को पूरे बिहार के आम जनता, विपक्ष भी बोलता है कि काम हुआ है, सड़क बना है, बिजली बनी है, लगा है पुल पुलिया बना है, शिक्षा स्वास्थ्य सब में काम हुआ, लेकिन विपक्ष हम लोग देखे हैं बिहार विधानसभा में जो काम किया है उसको कहता है काम ही नहीं हुआ, जिस रोड पे चलता है उस रोड को भी उसको शायद दिखाई नहीं देता है कि वही रोड माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के द्वारा बना, उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करने के लिए चाहता है, तो फिर विपक्ष को हम क्या बता सकते हैं। विपक्ष को तो लिखा रहता है विधानसभा में हाँ पक्ष और ना पक्ष, हम लोग सत्ता में है हाँ पक्ष में है, हम लाख काम करते हैं वो ना ही बोलता है। अब यही देख रहे हैं, आप देख रहे हैं उन लोग के शासन में बजट क्या था, और हम लोग के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में हर वर्ग में हर विषय पर हर क्षेत्र में कितना ज्यादा बजट है, तो इससे स्पष्ट है कि बिहार में विकास हुआ है, और सब लोग समझते हैं विकास को ही वोट देता है, हर परिवार चाहता है कि विकास हो, इसलिए विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी, बिहार में नीतीश, और नीतीश कुमार को लेकर जो भाजपा है उसने पहले ही घोषणा कर दी कि चेहरा तो नीतीश होंगे, कितना फायदा मिले। वास्तविक बात है नीतीश जी का चेहरा पे ही बिहार में लड़ा जाएगा, ये बात सत्य है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी एनडीए के नेता घोषणा कर चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार लड़ा जाएगा। आप जो बता रहे हैं विकास की बात, आप देख सकते हैं क्या बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए गठबंधन से पहले क्या गंगा में कितने ब्रिज थे, करे नदी पे कितने थे, या बागमती पर कोसी में कितना ब्रिज था, लगातार हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिएगा तो कोसी में एक के एक सड़क निर्माण हुआ है, जो आज तक उस इलाके के लोग कभी देखा नहीं था पुल ब्रिज को, लेकिन वहां जाने के बाद वहां की जनता इतना खुश है कि लगता है साक्षात स्वर्ग हो गया है वह क्षेत्र, इसलिए पूरे बिहार में जनता विकास देख रही है और विकास पर ही वोट करेगा, न कि अब जो है वो ठगने वाला जमाना नहीं है, हम लोग के पार्टी जो बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं वही करते हैं, और हम लोग भी उनके शिष्य हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, जितना ही हम लोग बोलते हैं क्षेत्र में उतना ही काम करते हैं, इसलिए हम पर पूरे हसनपुर की जनता पूरा भरोसा है, हम लोग जो किए हैं जो बोलते हैं उतना ही करते हैं, वो करके भी दिखाए। 15 साल लालू राबड़ी का जंगल राज, तो 15 साल भाजपा और नीतीश कुमार का मंगल राज कैसे? आप देख सकते हैं 15 साल पूर्व, आप भी इसी बिहार प्रदेश के वासी हैं, सब लोग हम लोग भी हैं, 15 साल पहले जहां हम लोग का गांव है, आप जान लीजिए कि वो समय खुले बिहार में अपराधी अपराध करते थे, खुले बम पिस्तौल लेके प्रदर्शन होता था, हम लोग इलाके की बात बता रहे हैं, और पूरे बिहार की बात तो आप जानते ही हैं, उस हम जब से देखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में, जब से शासन में आए हैं और गद्दी संभाले हैं, तो लगातार इस सब पर कंट्रोल हुआ, हम लोग के क्षेत्र में कितना ही बड़े बाहुबली हो किसी का अब जो है चलने वाला नहीं है कि खुले हम बम क्या बोलते हैं पिस्तौल बम या ग्रुप बाइक करके हम खुले चलेंगे, आज तक हम लोग को ये 15 वर्ष में कहीं नजर नहीं आया। हाँ अपराधी है वो, छिप करके अपराध करते होंगे, उसका काम ही है गलत करना, लेकिन इस शासन में अब जो जितना हम लोग देख रहे अपने इलाके में हद तक कंट्रोल है। जनता में ये ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ जो गठबंधन किया था और फिर उस गठबंधन को तोड़कर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा के साथ आए, आप जब जाइएगा वोट मांगने, आपको तो जनता ने, बिहार की जनता ने 2015 में राजद के साथ बहुमत दिया था, भाजपा को विपक्ष दिया था, आपने तो विपक्ष को पक्ष में बैठा दिया, पक्ष को विपक्ष में बैठा दिया, कैसे जवाब दीजिए? आप देखिए बताते हैं, आपसे हम गठबंधन किए सही बात है, हमने गठबंधन किया कि आप भी कम से कम अब जो सुधरे बिहार, लेकिन उनको गठबंधन रहने के बावजूद हम लोग देखे हैं कि 2 साल जब गठबंधन में था तो उनका क्रियाकलाप ठीक नहीं रहा सरकार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री के भरोसे पे बिहार में एनडीए महागठबंधन जीता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो राज्य में चलाए पहले और इनके गठबंधन में देखे कि इनका जो है कार्य क्रियाकलाप ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने लगा कि अब बिहार की जनता के साथ ये गलत करेंगे और मेरा भी छवि खराब होगा, इसलिए उन्होंने लगा कि हम इसके साथ गठबंधन रहने से बिहार का भलाई नहीं है, बिहार की जनता को जो मैंने वादा किया वो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उनके साथ गठबंधन तोड़ लिया। हसनपुर में इस वक्त पूरे देश दुनिया की नजर होगी, जब तेज प्रताप वहां लालटेन लेकर निकलेंगे, कितने आपको लगता है कि जो हाईटेक चुनाव होगा, जो पूरे देश दुनिया की नजर होगी, मीडिया का हाइप होगा, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, राजकुमार राय, फिर वही सवाल,
कितनी रोचकता होगी। आप देखिए, कोई प्रताप जय, कोई लाल जय, हसनपुर की जनता किसी प्रताप और लाल को देखने के लिए तैयार है। वो अपने पुत्र को देखे, अपने बेटा को देखेंगे, और वहां कोई बड़े लीडर जाके वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सबों का और हसनपुर की जनता का उतना मुझे भरोसा है, विश्वास है, वो अपने पुत्र के साथ रहेगा। हमने दुख दर्द में, बाढ़ में, हर समस्या को अपने जनता तक पहुंचा करके सरकार तक उसकी समस्या को समाधान किए हैं। इसलिए वहां किसी को कुछ नहीं चलने वाला है। बिहार का कोई विपक्ष के लीडर जाकर के, हम तो देखे हैं, लगातार दो दो बार गया, कुछ नहीं चला। सब जनता ने देखा कि यहाँ जो हमने पंचायती राज का भी हमने प्रतिनिधित्व करके देखा है, और वहां एक पंचायत में मात्र 5,000 मतदाता होता है, उसे लगातार भरोसा किया है कि ऐसे ऐसे लोग जनप्रतिनिधि, हमने मुखिया से MLA भी बने, तो मुखिया का जो मेरा कार्यकाल था उससे ही पता चलता है कि ये लोग आजकल के तो कुछ लोग होते हैं, छोटा सा भी जनप्रतिनिधि होता तो क्या करता है उसके बारे में हम नहीं बोले। लेकिन आप पता लगाइए, जब हम मुखिया थे तो हमारे क्षेत्र में एक एक लोगों को हमने सरकार की योजना को दिलाने का काम किया, और निःशुल्क कहीं भी कोई, कहीं भी ब्लॉक से लेकर के पंचायत तक कहीं भी किसी को कोई फीस नहीं लगता था, निःशुल्क करवाते थे। तो जनता भरोसा करता है, नीचे से ही जो काम करता है तो आगे तक दिखाई देता है। हम लोग लगातार दो बार से आप विधायक हैं, अगर इस बार आपने पटकनी दी तो मंत्री पद आपका निश्चित, आप ऐसी चर्चा है। आप कितने वोटों से, वोट बता दीजिए, कितना अंतर होगा? वोट तो हम आपको बता दिए कि हम 75% वोट लेंगे, जो भी वोट गिरेगा वह NDA गठबंधन में 75% मुझे ही मिलेगा, आप इतना नोट कर लीजिए। हसनपुर के विधायक है राजकुमार राय, और इनका मानना है कि कोई प्रताप जाए, कोई लाल जाए, वहां किसी दूसरे स्टार की जरूरत नहीं है। जनता के बेटा हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, मुखिया से विधायक तक पहुंचे हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, न्याय के साथ विकास होगा, 10 वर्षों तक जांचा परखा राजकुमार राय का चेहरा होगा। कोई भी आए, 75% मतदाताओं पर NDA की लहर है, और रिकॉर्ड मतों से इतिहास बनाएंगे, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारी भी नजर होगी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र पर, जहां लालू के लाल तेज प्रताप यादव लालटेन लेकर खड़े हैं, और राजकुमार राय तीर्था में उनका मुकाबला करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे कल इसी चैनल पर इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।